तो जी ये है न्यूली लॉन्च TVS का iQube S, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है। सबसे अच्छी चीज है कि ये किफायती लोगों के लिए किफायती स्कूटर है, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है। बट अपना रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दो तो 196 से हमने स्टार्ट किया था और इसमें हो रहे हैं 239 किलोमीटर्स। इतना हमने चला लिया है, 43 किलोमीटर्स चला लिया है हमने उसके अंदर। इसको एक बार ही चार्ज भी किया है। ये 60% थी बैटरी, एक बार बैटरी आगे दोबारा से दिखा दो, 60% थी बैटरी जब हमने इसको चार्जिंग पे लगाया था। हमने इसको एक घंटे ही लगाया होगा चार्जिंग पे, या उससे भी कम, लेकिन ये पहुंच गई है 90% पे। 1% वो इसलिए कम हुआ क्योंकि अभी थोड़ी देर से मैं इसको चला रहा हूँ। तो ये जो TVS का न्यू iQube स्कूटर है, आज है इसका टेस्ट रन। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी जो है ना, इन्होंने फाड़ दी है। फाड़ मीन्स एब्सोल्यूट परफेक्ट। वो क्यों? क्योंकि ये 130 के अराउंड का स्कूटर है और इस रेंज में इन्होंने क्वालिटी अच्छी दी है। ये कुछ इस टाइप की इसकी की है iQube की। और इसके अंदर एक छोटी सी और चीज़ है जो कि है ये वाली टॉर्च। अब ये जो स्कूटर है ना, ये प्रीमियम लुकिंग स्कूटर है पहली बात, क्योंकि iQube का प्लेटफॉर्म पे ही बना रखा है iQube S, और इसमें एक और नया वेरिएंट आने वाला है जो है कि ST। अब देखो एक चीज़ मैं दिखा दूँ, जिन लोगों को सिलेंडर रख के लेके आना, सिलेंडर तो आएगा नहीं खैर, लेकिन वाटर बॉटल यहाँ पे आ सकती है। इतने स्पेस के अंदर कुछ छोटे मोटे बॉक्सेस आ सकते हैं। अगर ग्रॉसरी का सामान लेके आना है तो यहाँ से इसकी ये बूट ओपन हो जाती है, यहाँ पे ग्रॉसरी का सामान आ सकता है। बाकी ये इसका जो है इतना बड़ा चार्जर है जिससे कि ये काफ़ी जल्दी चार्ज हो रहा है, काफ़ी फास्ट चार्जिंग है इसके अंदर। इतना बड़ा चार्जर कैरी करना पड़ेगा। ये इसके अंदर यहाँ पे टेस्टर है, टेस्ट भी कर सकते हो बैटरी। ये अच्छी चीज़ लगी मुझे TVS ने, ये जो चार्जर बनाया ना, काफ़ी हाई ग्रेड चार्जर है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी लग रहा है, तो चार्जर की कॉस्ट भी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन स्कूटर जो है काफ़ी अफोर्डेबल लग रहा है इस वक्त, क्योंकि बहुत महंगे महंगे मार्केट के अंदर स्कूटर आ रहे हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं। फिलहाल देखो सीट भी अगर हम इसकी बंद कर रहे हैं ना ऐसे करके, देखो एकदम से कुट करके सीट जो है क्लोज हो जाती है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे एक सेंसर है जो कि डे और नाइट दिखाएगा। ये जो है ये iQube का बटन भी लाइट अप होता है अगर मैं इसको ऐसे करके इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। तो इतनी बड़ी एक LCD स्क्रीन है, काफ़ी बड़ी है। अभी बोल रहा है कि साइड स्टैंड हटा लो, तो उसके ना सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं। साइड स्टैंड हटाने के बाद में भी ये ऑन नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। ये आपको बोलेगा कि भैया अगर आपको पार्क मोड पर लगानी है तो पार्क वाला बटन दबाओ, चलाने वाले मोड पर लगाना है तो चलाने वाले, मतलब ड्राइव करना है तो ड्राइव मोड पर। अब सबसे पहले इसको ना पार्क मोड पर लगा के देखते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन तो आ रही है। अब ये फॉरवर्ड पोजीशन पे है, यानी कि पार्किंग की फॉरवर्ड पोजीशन पे सब कुछ दिखाएगा, बट फॉरवर्ड और रिवर्ड है। इसको एक बार दोबारा से मैं दबाता हूँ ना अगर बटन को, तो ये रिवर्स में आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा चला कर देख लेते हैं कि ये पार्क कैसे करोगे इसको, अगर जैसे लगानी है, अगर जैसे मेरे को इसको उल्टा करके खड़ा करना है मान लो, ठीक है, या फिर मेरे को इसको सीधा करके खड़ा करना है ऐसे ऐसा करके, तो मैं इसको हल्का सा फ्रंट लूँगा, यही वाला बटन मैं दबाता हूँ, इसको ब्रेक दबा के रिवर्स गियर लग गई, रिवर्स में ये स्कूटर रिवर्स जा सकता है। ये अच्छी चीज़ें लगती हैं कुछ कुछ इसके अंदर। अब जैसे ये पार्क कर लिया तो पार्किंग मोड से हटा के ड्राइव मोड पे ऐसे डालना है। देखो पार्किंग मोड से हटाया, वैसे ही प्रेस किया, ये आ गया न्यूट्रल पे, फिर इसको हमने कर दिया है ड्राइव मोड पे। इसमें दो मोड हैं, एक है ईको, एक है पावर। अब सबसे बड़ी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके अंदर ये रेंज कैलकुलेटर है। तो यहाँ पे ये जो रेंज दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि ईको के अंदर 105 किलोमीटर चल सकता है ये, और पावर के अंदर 75 किलोमीटर चल सकता है। 89% के आसपास बैटरी है इसके अंदर अभी। अब इसमें ना कुछ फैंसी चीज़ें भी हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स जो लोग अभी तक नहीं रख पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये देखो यहाँ पे एक जॉयस्टिक है, जैसे हमारे एक्सबॉक्स या प्लेस्टेशन में होती है ना जॉयस्टिक है, इसको दबाओगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। जनरल सेटिंग, ब्लूटूथ के अंदर, माई व्हीकल, प्राइवेसी, और भी नीचे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर, लोगों की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग, जैसे घर के अंदर लोग हैं, बच्चे हैं, तो ऐसे करके ये देखो मैं डेट पे गया तो इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये TVS X कनेक्ट करके एक एप्लीकेशन है, उससे भी ये कनेक्ट हो सकता है। और होने के बाद में बिल्कुल इंटरनेट इसके अंदर, मतलब वैसे तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ ये इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, आपके फ़ोन से कनेक्टेड होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें एक चीज़ है जो पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो ये है कि ये साइड स्टैंड है इसके अंदर। तो साइड स्टैंड मैं लगा लेता हूँ, अभी बताऊँगा पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना इसमें, वो है ये इसकी ये लाइट्स जो हैं ये ब्लिंक करती हैं जब भी आप इसको चार्ज करते हैं। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये हब मोटर से लैस है, इलेक्ट्रिक मोटर है इसके अंदर। जो सस्पेंशन है वो स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है, यहाँ से छोटा मोटा इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसके ऊपर यहाँ पे एक और लाइट है जो कि जब चार्ज करोगे तो ये ब्लिंक करेगी। अब इसकी जो बैटरीज हैं वो कहाँ रखी गई हैं, वो हैं इसके फ्लोर में। ये जो फ्लोर देख रहे हो इसके अंदर इसकी बैटरीज हैं,
यहाँ पे पूरा पूरा बैटरी पैक बिछा रखा है नीचे, बहुत हैवी ड्यूटी तो वो बैटरीज हैं। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो थोड़ा सा तो देखो आगे आ जाएगा, लेकिन जो ड्राइव करेगा ना व्हीकल को वो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा पीछे की तरफ भी होता है। तो यहाँ पे आपके चेसी नंबर यहाँ से आपको दिख जाएगा, इसके अंदर जाके थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे है, थोड़ा सा आगे जो कि नॉर्मल स्कूटर में होता है। जो लाइट्स हैं इसकी फुली एलईडी सेटअप है इसमें, टेल लैम्प से लेके टर्न इंडिकेटर या कुछ भी हो, हैजार्ड सिस्टम भी है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। चलो जी अब बारी आ गई है इसको हाईवे पे टेस्ट करने की। बड़ा तगड़ा सा हाईवे लेके आऊँ मैं, पीछे से बंद है ठीक है। क्या तो स्कूटर लग रहा है ना, क्यूट लग रहा है ये स्कूटर नो डाउट। और ये जो है ना इसका इंप्रेशन, ये वाले जो सीन है ना जो राइडर एक्चुअली फील करेगा वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो इतना बड़ा डिस्प्ले तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ आउटडेटेड सी चीज़ चला रहे हो, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक कोई आइटम सी चला रहे हो आप, और पैसे सही जगह डालें। लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट है उस पर बात करनी पड़ेगी। तो ये है इको मोड, अगर जिन लोगों को सिर्फ स्पीड देखनी है ना सिर्फ ये उनके लिए स्पीड दिखाता हूँ। इको मोड पर चलते हैं कितनी स्पीड तक चल सकता है ये, छूटते के साथ ही तो भाई ये 40 पे तो चले जाता है, खैर ये बात तो है। लेकिन अब यहाँ पे जाके इसने एक स्टॉप ले लिया है 50-51 थ्रॉटल फुल टू ऑन है 50-51 पे। खैर मैं 50-51 पे कितनी देर तक वहाँ तक जाऊँगा इसको यहाँ यहीं पे आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ कि ये जो है ना इसका पावर मोड ये कितनी स्पीड दे सकता है। तो अगर मैं इसका पावर मोड ऑन करता हूँ, पावर पे आ गया है, दिखा दिया 75 किलोमीटर तक और चल जाएगा ये। अगर मैं इसको ये ऑन स्टार्टिंग करी पावर मोड में, थोड़ा सा ना टॉर्क ज़्यादा लगा मुझे, और स्पीड भी देखो स्पीड कितनी आई है। अब देखते हैं यहाँ पे जाके ये रुकेगा वहाँ पर मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे आके ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन अभी भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते, बस यहाँ पे रुक गया अभी। तो 89-90 की स्पीड तक ये अपने पावर मोड में जा सकता है। और रीजन तो कितनी जल्दी स्टार्ट कर लेता है यार ये स्कूटर, क्या तो बढ़िया सी चीज़ लगाई है ना ये रीजन। इसकी वजह से आपकी जो बैटरी होगी ना वो ज़्यादा दूर तक, मतलब जो एक्चुअल जो आपको रेंज मिलेगी वो ज़्यादा दूर मिलेगी। अगर आप हिलीज एरिया में हो, ट्रैफिक के अंदर चला रहे हो, अगर आप सिर्फ हाईवे भगा रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रेंज नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे रीजन ज़्यादा नहीं होता। तो इस वजह से अगर जैसे मैं ये एरिया में हूँ, छोटे मोटे एरिया में, यहाँ पे रेंज ज़्यादा मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे मेरे को ब्रेकिंग भी करनी पड़ेगी बार बार। तो पावर मोड पे यूँ दोबारा से एक बार भगा के देख लेते हैं कि भैया 80 के ऊपर भी जाएगा, 90 के ऊपर भी जाएगा या फिर नहीं। तो कुछ इस टाइप का अभी तक भाग रहा है, अभी तक लग रहा है कि पावर है मेरे पास, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे कि पावर छोड़ देगा ये, वो है होगी 90 की स्पीड। अब वैसे इसने 95 पे अब अपने आप को ब्रेक कर लिया है, हो सकता है कि टेम्परेचर की वजह से कर रहा हूँ या फिर किसी और वजह से कर रहा हूँ, लेकिन अभी 96 से ऊपर बढ़ नहीं रहा है, मैंने पूरा का पूरा थ्रॉटल दे रखा है। लेकिन फिर भी यार 86 की स्पीड जो है, सॉरी मैंने 96 बोल दिया, 86 की जो स्पीड है ना वो भी काफ़ी है भाई। अगर आपको ऑफिस ही जाना है, ऑफिस से घर ही आना है, काफ़ी तगड़ी सी स्पीड है। ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि कम चल रहा है, धीरे चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात हो रही हो। मेरे को तो इतनी स्पीड अगर मिल जाए और नो टेंशन चीज़ मिल जाए व्हीकल, तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब इसमें जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो है सबसे बड़ी चीज़ इसकी बिल्ड क्वालिटी। जिस तरीके से चलता है बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन है, जिस तरीके से ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, थ्रॉटल मैंने किया और ये एकदम से निकला, ये इसके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन में आ जाते हैं सेल्स पॉइंट। जिस तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी है, ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिस तरीके की इसकी बिल्ड क्वालिटी, आगे की हेडलैम्प, ठीक है, जो चीज़ें लगा रखी हैं, ये पॉइंट ऑफ इम्प्रेशन के अंदर आ जाती हैं। अब है पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है हमारे पास। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो मुझे पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट में लगी वो इसका एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी है, पॉइंट ऑफ सेल, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। तो जब ये इतना ज़्यादा साइलेंट होता है ना तो सामने वाले को या साथ वाले को पता नहीं चलता है कि कोई चीज़ आ रही है। थोड़ा सा साउंड होना चाहिए उसके अंदर, मोटर में या फिर कोई आर्टिफिशियल साउंड होना चाहिए। क्योंकि अभी जब मैं चला रहा था ना तो लोग बिना देखे हुए मुड़ रहे थे, पैदल चलते हुए लोग, जब पैदल चलने वालों को ही नहीं पता चल रहा कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, बिल्कुल भी साउंड नहीं है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। आर्टिफिशियल साउंड ऐड होना चाहिए इसके अंदर। जो बाकी जो चीज़ें हैं ना, फीचर्स वगैरह, वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखे हैं, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ बतानी थी मुझे जो कि एक्चुअल आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। तो हमारा काम था इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक छोटी सी क्लिप के अंदर क्रिएट करना और आप लोगों को दिखाना कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।